दोस्तों, अगर ऐसी कोई चीज जिसके लिए हम पैसा खर्च कर रहे हैं लेकिन अचानक हमें वह चीज फ्री में मिलने लगे तो हमें बहुत ही खुशी होती है। अगर आप एक यूट्यूबर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको कुछ ऐसी ही खुशी मिलने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको एक अमेजिंग AI टूल मिलने वाला है जो एक यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर के लिए बहुत ही काम का साबित होने वाला है। इस अमेजिंग टूल का नाम है AI Ease AI। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक ही जगह पर कई सारे फोटो एडिटिंग टूल्स जैसे कि फेस स्वैप, जिससे बड़ी ही आसानी से किसी भी फोटो में फेस स्वैप कर सकते हैं, हेडशॉट जनरेटर से अपने लिए प्रोफेशनल हेडशॉट्स बना सकते हैं, पासपोर्ट फोटो मेकर से पासपोर्ट साइज की फोटो आसानी से बना सकते हैं, फोटो रेस्टोरेशन से आप अपनी पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को एक नया लुक दे सकते हैं, इमेज एनलार्जर से अपनी फोटोज को बिना क्वालिटी खराब किए बड़ा कर सकते हैं, फोटो एनहांसर से फोटोज की क्वालिटी को एनहांस कर सकते हैं, और बैकग्राउंड रिमूवर से आप किसी भी फोटो से बैकग्राउंड को सिर्फ एक क्लिक में रिमूव कर सकते हैं। और ये सभी टूल्स पूरी तरह से मुफ्त हैं और आपको कोई भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। AI Ease AI इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ सबसे ऊपर AI टूल्स पर आएंगे और यहाँ AI फेस स्वैप पर क्लिक करेंगे, फिर ट्राई फ्री AI फेस स्वैप क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है, तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ ऊपर लॉगिन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद नीचे साइन अप पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप अपने गूगल से या फिर अपनी ईमेल से साइन अप कर लेंगे। आपकी ईमेल पर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा। वेरिफिकेशन कोड को यहाँ एंटर करके साइन अप पर क्लिक करके अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो मैंने पहले से अपना अकाउंट यहाँ क्रिएट किया हुआ है, तो मैं अपने अकाउंट से लॉगिन कर लेता हूँ। अब हमारा अकाउंट यहाँ लॉगिन हो चुका है। अब सबसे पहले हम अपने फोटो में फेस स्वैप करेंगे, तो फिर स्वैप करने के लिए हमें यहाँ दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। पहला है स्वैप, दूसरा है मल्टीपल फेसेस। पहले ऑप्शन स्वैप में हम सिंगल कैरेक्टर का फेस स्वैप कर सकते हैं, और दूसरे ऑप्शन मल्टीपल फेसेस में हम उस इमेज में भी फेस स्वैप कर सकते हैं जिस इमेज में एक से ज्यादा कैरेक्टर हैं। तो हम यहाँ पहले सिंगल कैरेक्टर के फेस को स्वैप करेंगे। अब यहाँ अपलोड टारगेट फेस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमें उस फेस को अपलोड करना है जिस फेस को हम चेंज करना चाहते हैं। तो इसके लिए यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल या कंप्यूटर की गैलरी ओपन हो जाएगी, और अपनी गैलरी से उस फेस को अपलोड करेंगे। तो अभी हम यहाँ रणवीर सिंह के फोटो को अपलोड करते हैं। टारगेट फेस अपलोड करने के बाद अब इस दूसरे ऑप्शन में हमें उस फोटो को अपलोड करना है जिस फोटो में हमें रणवीर सिंह का फेस लगाना है। यहाँ पर आपको कुछ टेम्पलेट्स भी दी गई हैं, आप इन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिस टाइम प्लेट को भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, सिंपल आप उस पर क्लिक करेंगे तो वह फोटो यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अभी हम यहाँ पर खुद का फोटो अपलोड करेंगे, तो हम इस फोटो को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। यहाँ अपलोड सोर्स इमेज पर क्लिक करेंगे और अपनी गैलरी से अपने उस फोटो को इंपोर्ट करेंगे। तो अभी हम यहाँ थॉर की इमेज को अपलोड करते हैं। अब यहाँ टारगेट फेस और सोर्स इमेज दोनों अपलोड हो चुकी हैं। अब फेस चेंज करने के लिए नीचे स्वैप फेस पर क्लिक करेंगे और यहाँ कुछ सेकंड्स की प्रोसेसिंग चलेगी। प्रोसेसिंग के बाद थॉर की इमेज में रणवीर सिंह का फेस अप्लाई हो चुका है। इमेज पर क्लिक करेंगे तो इमेज जूम हो जाएगी। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी क्वालिटी में फेस स्वैप हुआ है। इमेज को डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो इमेज डाउनलोड हो जाएगी। एक तरफ हमारी ओरिजिनल इमेज है और दूसरी फेस स्वैप करने के बाद आप देख सकते हैं फेस की क्वालिटी में कुछ भी कम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। अब हम यहाँ दूसरे ऑप्शन मल्टीपल फेस को ट्राई करेंगे, तो इसके लिए हम दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब हमें यहाँ पर अपनी उस इमेज को अपलोड करना है जिस इमेज में हमें फेस स्वैप करने हैं। अभी मैं यहाँ पर कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इमेज अपलोड करने के लिए हमें यहाँ डायरेक्ट मोबाइल से अपलोड करने का ऑप्शन भी मिल रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो QR कोड ओपन होगा। अब आप अपने मोबाइल से इस QR कोड को स्कैन करके डायरेक्ट अपने फोन से यहाँ इमेज अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं अपने कंप्यूटर की गैलरी से ही इमेज अपलोड करूंगा, तो इसके लिए यहाँ अपलोड पर क्लिक करेंगे और अपनी गैलरी से मल्टीपल फेस वाली इमेज को अपलोड करेंगे। तो पहले हम यहाँ दो फेस वाली इमेज को अपलोड करेंगे। अब यहाँ कुछ प्रोसेसिंग चलेंगी क्योंकि यह इमेज में मौजूद सभी फेस को डिटेक्ट करेगा। अब इस इमेज में मौजूद दोनों फेसेस यहाँ इसने डिटेक्ट कर लिए हैं। अब हमें यहाँ उन फेस को लाना है जिन फेस को हमें इन फेस की जगह अप्लाई करना है। तो इसके लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे और अपने पहले फेस को अपलोड करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर शाहरुख खान के फोटो को इंपोर्ट करते हैं। अब दूसरे फेस के लिए यहाँ क्लिक करेंगे और लड़की के फेस के लिए दीपिका पादुकोण के फोटो को अपलोड करते हैं। अब दोनों फेस आ चुके हैं। अब फेस स्वैप करने के लिए नीचे स्वैप फेस पर क्लिक करेंगे। वापस कुछ देर प्रोसेसिंग चलेगी।
हमारी इस इमेज में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के फेस अप्लाई हो चुके हैं। इमेज पर क्लिक करके जूम करते हैं तो आप देख सकते हैं दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान का फेस कितने अच्छे से यहाँ पर स्वैप हुआ है। डाउनलोड पर क्लिक करके इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं। दोनों इमेज आप देख सकते हैं, इसमें भी क्वालिटी में किसी भी प्रकार का कोई भी कम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। अब हम यहाँ पर दो से ज्यादा फेस चेंज करके देखेंगे कि क्वालिटी ऐसी ही मिलती है या नहीं। इसके लिए यहाँ री अपलोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ अपलोड पर क्लिक करके अपनी गैलरी से दो से ज्यादा फेस वाली इमेज को अपलोड करेंगे। तो अभी हम यहाँ से इस इमेज को अपलोड कर लेते हैं। अब वापस यहाँ कुछ देर, ये इमेज में मौजूद सभी फेस को डिटेक्ट करेगा। अब इमेज में मौजूद सभी फेस यहाँ डिटेक्ट हो चुके हैं। अब हर फेस के आगे हमें अपने उस फेस को अपलोड करना है जिस फेस को हम यहाँ पर स्वैप करना चाहते हैं। तो हर फेस के आगे क्लिक करके उन फेस को यहाँ अपलोड कर लेते हैं जिन्हें हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। अब सभी फेस के आगे हमने अपने उन सभी फेस को अपलोड कर लिया है। अब इन फेस को इस इमेज में स्वैप करने के लिए नीचे स्वैप फेस पर क्लिक करेंगे। वापस यहाँ कुछ देर की प्रोसेसिंग चलेगी। प्रोसेसिंग कंप्लीट होते ही हमारी इस इमेज में ये सभी फेस अप्लाई हो चुके हैं। इमेज पर क्लिक करके जूम करते हैं, आप देख सकते हैं इतने सारे फेस को भी इसने अच्छी क्वालिटी में स्वैप किए हैं। अब हम AI के और दूसरे टूल्स को ट्राई करेंगे। इसके लिए वापस AI टूल्स पर आएंगे और दूसरे ऑप्शन हेडशॉट जनरेटर को सिलेक्ट करेंगे। हेडशॉट जनरेटर एक ऐसा फीचर है जो आपको अपनी तस्वीरों में हेडशॉट बनाने में मदद करता है। आप अपने प्रोफेशनल हेडशॉट बनाकर अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ गेट फ्री AI हेडशॉट पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने यहाँ हेडशॉट स्टाइल ओपन हो चुके हैं। अब आपको जिस स्टाइल में भी अपना हेडशॉट जनरेट करना है उस स्टाइल पर आप क्लिक करेंगे तो वह हेडशॉट स्टाइल यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ अपलोड पर क्लिक करके अपनी उस फोटो को इंपोर्ट करना है जिससे हमें हेडशॉट बनाना है। यहाँ आपको कुछ इंट्रेक्शन दिए गए हैं कि आपका फोटो किस तरह का होना चाहिए, तो आप इन इंट्रेक्शन के अनुसार अपनी फोटो यहाँ अपलोड करें। तो हम यहाँ अपलोड पर क्लिक करते हैं और अभी हम अनुष्का शर्मा के फोटो को इंपोर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से आप साइज सेलेक्ट कर लीजिए, जिस साइज में भी आपको अपना हेडशॉट जनरेट करना है उसके बाद जनरेट पर क्लिक करना है। अब कुछ देर की प्रोसेसिंग में हमारा हेडशॉट यहाँ जनरेट हो चुका है, जो हेडशॉट आपको पसंद आता है। यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करके आप उसे डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन अभी आप देख रहे हैं हमारे इस हेडशॉट पर वाटरमार्क दिखाई दे रहा है। अगर आप इसे रिमूव करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस हेडशॉट को अपने सोशल मीडिया पर शेयर करना होगा, तो इस हेडशॉट का वाटरमार्क यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब अगले ऑप्शन में इसी तरह आप अपनी फोटो से पासपोर्ट फोटो बना सकते हैं। अगले ऑप्शन फोटो रेस्टोरेशन पर क्लिक करेंगे। इस फीचर से आप अपने किसी भी पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो की क्वालिटी को एनहांस करने के साथ साथ अपनी फोटो को रंगीन बना सकते हैं। यहाँ रिस्टोर फोटोज फॉर फ्री पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ अपलोड पर क्लिक करके अपनी उसे इमेज को अपलोड करना है जिसे हमें रिटच देना है, तो यहाँ अपलोड पर क्लिक करते हैं और इस ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को हम यहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं। अब हमें यहाँ दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, पहला है एनहांस, दूसरा है कलराइजर। अगर आप अभी ये दोनों ऑप्शंस यहाँ पर ऑन है, पहले ऑप्शन से हमारी इमेज यहाँ एनहांस होगी यानी इमेज की क्वालिटी इंप्रूव होगी, और दूसरे ऑप्शन से हमारी इमेज ब्लैक एंड व्हाइट से कलराइज्ड हो जाएगी। आप अगर आप अपनी इमेज को एनहांस और कलराइज्ड दोनों करना चाहते हैं तो दोनों ऑप्शंस को ऑन रहने दें, नहीं तो जिस ऑप्शन को आप नहीं चाहते उसे आप यहां से ऑफ कर दें। अभी हम अपनी इमेज को यहां एनहांस और कलराइज्ड दोनों करना चाहते हैं तो हम दोनों ही ऑप्शंस को ऑन रहने देते हैं और यहाँ स्टार्ट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ कुछ देर प्रोसेसिंग चलेगी। जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी हमारी इमेज यहाँ एनहांस होने के साथ साथ कलराइज्ड भी हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं हमारी इस इमेज की क्वालिटी तो एनहांस हुई है, साथ ही साथ हमारी इमेज कलराइज भी हो चुकी है। क्वालिटी देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी में हमारी यह इमेज रंगीन हो चुकी है और इसके लिए हमें कोई पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ा है, जबकि दूसरे टूल्स पर आपको इसी चीज के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अब अपनी इमेज को डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड पर क्लिक करके इमेज को डाउनलोड कर लेंगे। अब अगले ऑप्शन इमेज एनलार्जर से आप अपनी फोटो के साइज को बड़ा कर सकते हैं बिना क्वालिटी खराब हुए, और फोटो एनहांसर से आप अपनी फोटो की क्वालिटी को 4 गुना तक एनहांस कर सकते हैं। अगले ऑप्शन बैकग्राउंड रिमूवर से आप अपनी किसी भी फोटो की बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं, तो बैकग्राउंड रिमूवर पर क्लिक करते हैं, रिमूव BG फॉर फ्री पर क्लिक करेंगे और अपलोड पर क्लिक करके अपनी उस इमेज को लेकर आएंगे जिसकी हमें बैकग्राउंड रिमूव करनी है, तो अपलोड पर क्लिक करते हैं और एक इमेज को हम अपलोड कर लेते हैं। अब यहाँ डायरेक्ट प्रोसेसिंग होना शुरू हो गई है। जैसी प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी हमारी इस इमेज की बैकग्राउंड यहाँ रिमूव हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी इस इमेज की बैकग्राउंड रिमूव हो चुकी है और क्वालिटी देखिए फुल HD क्वालिटी आपको मिल रही है, जबकि इन सभी फीचर्स के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जबकि AI आपको यह सभी फीचर्स बिल्कुल फ्री में अनलिमिटेड इस्तेमाल के लिए मिल रहे हैं।
आप अपनी इस इमेज को डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर आप अपनी फोटोज को और भी खूबसूरत और प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं तो AI Ease आपके लिए एकदम सही है, क्योंकि यह टूल न केवल मुफ्त है बल्कि बहुत ही आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आज ही AI Ease को ट्राई करें और अपने फोटो एडिटिंग के सफर को एक नई लेवल पर लेकर जाएं। और हाँ दोस्तों, अगर यह टूल आपको यूजफुल लगा है, आपको वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अभी तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टूल के साथ।